महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की तारीफ की है। इसके साथ ही मुखपत्र में एग्जिट पोल का हवाला देते हुए ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एक दफा फिर चुनकर आएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में शिवसेना 23 और बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उनका एनडीए की सरकार बनने का दावा करना हैरान नहीं करता, लेकिन राहुल और प्रियंका की तारीफ से कई लोगों को हैरानी हो सकती है। शिवसेना के मुखपत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर लिखा गया, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर कामयाब होगी। सामना में राहुल और प्रियंका की मेहनत की तारीफ जरूर की गई, लेकिन इस संपादकीय में कांग्रेस पर तंज भी कसा गया। 2014 में राहुल गांधी इतनी सीटें नहीं जीत पाए थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद ले सके। इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का होगा, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कामयाबी होगी। आपको बता दें कि दो दिनों के बाद 23 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे। हालांकि रविवार को आए लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी।